हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो। दोस्तों ये गाड़ी है शेवरलेट की बीट, इसका हमने खोल रखा है डैशबोर्ड खोल रखा है और इसका कंप्रेशर भी खोल रखा है और इसकी जो कंडेंसर है वो भी खोल रखी है। तो लगभग एसी की सारी फिटिंग है, जो पाइपलाइन है वो सारी हमने खोल ली है, इसको हमने बाहर कर लिया कनेक्ट। हमें इसकी लीकेज नहीं मिल रही थी कहीं से भी, तो हम इसको बाहर लगा कर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें, कहाँ से लीकेज है। हमको कहीं से लीकेज नहीं मिल रही थी, हमने कूलिंग वाल्व इसकी चेंज की और कंडेंसर भी इसका चेंज किया है और कंप्रेशर था। अभी कहाँ पे हमें लीकेज मिलेगी, हम ये इसकी कूलिंग वाल्व है और इसको देंगे हम प्रेशर और इसकी करेंगे, ये कंडेंसर है इसकी करेंगे हम लीकेज टेस्ट। पूरा सिस्टम हमने बाहर निकाल लिया है, जैसे गाड़ी में फिट होता है वैसे ही हमने फिट कर लिया। ये गाड़ी है शेवरलेट की बीट, इसकी करेंगे हम लीकेज टेस्ट और देखते हैं हमें कहाँ से लीकेज मिलती है। अब देंगे इसको प्रेशर देंगे, कंप्रेशर हमने लगा लिया है, देखते हैं आगे की वीडियो में। दोस्तों हमने प्रेशर दिया था तो हमको लीकेज मिली है, जो ये वाली पाइप है इसके नीचे से, ये देखो ये इसके नीचे से है, जो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। जब गाड़ी स्टार्ट होती थी इंजन की वाइब्रेशन की वजह से जो पाइप में वाइब्रेशन आती थी तो गैस हमारी लीक हो जाती थी, लेकिन हम वैसे प्रेशर देते थे, जब हम गाड़ी के ऊपर इसको प्रेशर देते थे, गाड़ी स्टैंड पोजीशन पे होती थी तो हम इसको प्रेशर देके छोड़ते थे, जो हमारा प्रेशर था बिल्कुल स्टैंड रहता था। हम वैसे ही उसकी लीकेज टेस्ट करके प्रेशर टेस्ट कर लेते थे तो गैस डालते थे। जब कस्टमर के पास गाड़ी चाहती थी, कस्टमर 2-3 दिन चलाता था तो पहले तो 2-3 दिन चलाता था तो गैस निकल जाती थी, जैसे 100 किलोमीटर जाता था गैस निकल जाती थी। तो हमको क्या मिला डायग्नोस में, ये जो पाइप है ये वाइब्रेशन की वजह से यहाँ से होल है, और दूसरी लीकेज मिली हमको यहाँ पे, ये जो वॉल है इसके अंदर से, ये देखो दोस्तों, जैसे पंचर चेक करते हैं हमने प्रेशर दिया हुआ है, ये सारे के सारे जोड़ जो हम ऐसे चेक करेंगे इसमें पानी में भिगो के कि कहीं से कोई बबल्स तो नहीं आ रहा, कहीं से एयर लीक तो नहीं हो रही, ये पूरा चेक करेंगे हम, एक एक जोड़ चेक करेंगे सारा। दोस्तों चेक कर रहे हैं, ये देखो बबल्स आने स्टार्ट हो गए, तो जो बबल्स है हमारे वो देखेंगे कहाँ से है, ये जॉइंट से लीक है, जो हमारा रिंग भी लीक है। दोस्तों ये अंदर की साइड रह जाता है, कई बार नहीं पता चलता कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों सिस्टम बाहर निकाला था हमने तो इसमें हमें जो लीकेज मिली है ये पाइप से लीकी, ये वाली पाइप से लीकेज मिली है और ये पाइप हमने लगा दिया नहीं, ये कंप्रेशर से जाती है कंडेंसर की तरफ से। ये पाइप में फॉल्ट था कि जब गाड़ी चलती थी, एक तो इंजन वाइब्रेशन करता था
उसकी वजह से। दूसरा नंबर, इसमें जो प्रेशर होता था कंप्रेशर का, वो हीट होता था, काफ़ी हीट होने की वजह से यहाँ से लीकेज होती थी। तो जो हम प्रेशर देने पे हमको नहीं पता चलता था कि लीकेज है कोई कि नहीं है, तो इसलिए हमने जो डायग्नोस की प्रॉब्लम इसमें, तो वो निकली ये पाइप। देखने में पाइप बिल्कुल अच्छी है, प्रेशर भी नहीं टूटता था जब हम गाड़ी में लगाया था, जैसे ही कस्टमर गाड़ी ले जाता था तो लेके जाता था, दो तीन दिन बाद एसी की गैस लीकेज हो जाती थी। यहाँ से पाइप हमारी वीक थी इसके अंदर से, तो पाइप हमने लगाई है नहीं। तो ये है बीट गाड़ी, और इसमें करेंगे हाँ, ये बीट गाड़ी है, इसका डैशबोर्ड पड़ा है और ये कंडेंसर है, सारा खुला पड़ा है। तो ये सारी फिटिंग करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। ये गाड़ी है बीट, इसका डैशबोर्ड हमने खोला है, तो इसमें दिक्कत थी बार बार गैस निकलने की, गैस लीकेज की, तो इसको करेंगे हम 200 फिट। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन वाला घंटा भी दबा लो और वीडियो लाइक करो।